अब एक चाइनीज पराठा। जी हाँ, चाइना में भी पराठे बनते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते, घबराइए नहीं। लेकिन हम लोग चाइना में जाके पराठे किस तरह से बना सकते हैं और उनको खिला सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये जो चाइनीज पराठा है इसे बनाने के लिए तो चाइनीज वॉक ले लेते हैं नॉन स्टिक, और इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। और ये जो पराठा है ये बनाने के लिए भाई नॉर्मल जो आटा आपके पास में गूंदा हुआ हो वो ले लें। ये देखिए आटा गूंदा हुआ, और मैं एक काम करता हूँ इसके जरा फटाफट ये ले लिया। ये पराठा बनाने के लिए मुझे चाइनीज चीज़ें चाहिए, और ये एक सेजवान स्टाइल कुछ बनाते हैं हम, देखते हैं। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा अदरक, उसके साथ साथ गार्लिक लहसुन, ये हो गया सॉफ्ट। अब इसमें कुछ बीन्स भी डाल लेते हैं, बारीक कटी हुई बीन्स ये डाल लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देता हूँ ताकि ये बीन्स जो हैं ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, नमक से जल्दी ये पक जाती हैं। अब तो ये लीजिए ये एग इसके अंदर, और एग लेके ये एग मिक्स कर दिया, और इसमें हम डालते हैं कैरेट, ये गाजर इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप, और उसके बाद थोड़ी चिली पेस्ट या चिली सॉस ये, और इसे मिक्स कर, और ये जो स्टफिंग है इसको हम मिक्स करेंगे ये पके हुए चावल के साथ। तो ये चावल ये सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके साथ इसमें हम डालते हैं कुछ हरे प्याज की पत्तियां, और वो डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए जो चावल हैं ये एक तरह से सेजवान राइस तैयार हो गए हमारे। कितने स्पाइसी रखने हैं आप डिसाइड करें। और ये तवा मैंने रख दिया है, और एक बार फिर जो स्टफिंग है उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, पूरी तरह से भरपूर सूखा आटा लगाया, ये लीजिए। और ये जो पेड़ा है ये भी काफी मॉइस्ट, तो सूखा आटा ध्यान से लगाएं, इस पे दबाएं। तवा गरम है, और ये बस ध्यान से इसे बेलना है हमें, बस इसे पकाने के लिए। ये लीजिए गर्मा गर्म तवे पे रखकर इसे हमने सेकना है, थोड़ा सा सोया सॉस लगा के सेके। नहीं नहीं नहीं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, सोया सॉस नहीं, हल्का सा तेल लगा कर इसे सेके, और फिर इसको सर्व करें इसी तरह से गर्मा गर्म। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पराठा लेकर ओनली चाइनीज पराठा की एक दुकान खोली जाए, एक रेस्टोरेंट खोली जाए चाइना के अंदर। क्या आइडिया आपका, आप खोलें या मैं खोलूंगा, सोचिए। आप बताइएगा जरूर कि आप खोलना चाहते हैं, तो फिर मैं नहीं। खैर अभी तो नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका क्या। इसके लिए हमें चाहिए एक अंडा, दो कप उबले चावल, दो कप आटा, चार बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, एक प्याज बारीक कटी हुई, एक इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, छह लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, छह फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, एक गाजर ग्रेट की हुई, दो बड़े चम्मच टोमेटो केचप, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पेस्ट और दो हरी प्याज की डंडियां बारीक कटी हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन, बीन्स और नमक डालकर भुने, इसके अंदर अंडा, गाजर, टोमेटो केचप और रेड चिली पेस्ट डालकर मिलाएं। इसके बाद इस तैयार मिक्सचर को उबले चावल के अंदर डालकर मिलाएं, और इसके साथ इसके अंदर हरे प्याज की पत्तियां डालकर मिलाएं। अब आटे की गोली बनाकर बेलें, इसके अंदर तैयार स्टफिंग को भरकर बंद करें और इसे बेलकर पराठे की शेप दें, फिर इसे गर्म तवे पर दोनों तरफ से सेकें, उसके बाद इसके ऊपर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेकें और गर्मा गर्म सर्व करें।